आरती नामा। ईद की छुट्टियां यूं कहिए कि जरा तवील हो गई, मगर देर आए दुरुस्त आए। बहुत जमाने से साहब ने छुट्टियां भी नहीं की थी, तो इसलिए इतना हक तो पहुंचता है। उम्मीद है माजरत कबूल करेंगे। मुद्दे की बात पे आता हूं। कोरोना का जोर एक मरतबा फिर बताया जा रहा है। अखबार पढ़िए या टेलीविजन मीडिया देखिए या जैसे कहते हैं फेसबुक और ट्विटर का, सोशल मीडिया का जायजा लीजिए, एक ही खबर सुनने को, पढ़ने को, देखने को मिलती है कि कोरोना बढ़ गया, कोरोना बढ़ गया। लेकिन कोरोना बढ़ गया है में और कोरोना बढ़ गया है में जमीन और आसमान का फर्क है। ऐसा नहीं कि इस दौरान मैं किसी और सैयारे पर था, मैं यहीं था, इसी एक ज़मीन पर था, इसी एक मुमलिकत खुदादाद, इसी एक शहर नापुरसान हाल कराची में मुकीम था, और मैं देख रहा था कि चुप रहना कितना आसान या मुश्किल हुआ करता है। फितरी तौर पर चूंकि बागी हूँ, इसलिए मुझे बड़ा कोफ्त का सामना भी रहा, इत्मीनान भी रहा, बहुत सारी किताबें भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ डाली। लेकिन मजमूई तौर पर जिसे एक चीज़ से बेजार होकर के आज फाइनली, हालांकि मुझे पीर को यानी नेक्स्ट मंडे ऑन एयर होना था, लेकिन बहरहाल मैंने कहा कि चलो आज ही लपेट लें। आप कोई भी अखबार उठा करके देख लीजिए, इस वक्त सुपर लीड या लीड स्टोरी जो है वो कोरोना से मुतालिक है। मैंने जैसा कि कहा था कि कोरोना एक मरतबा फिर ईद के बाद बढ़ जाएगा, हुकूमत लॉकडाउन पर आ जाएगी, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। कोरोना बढ़ने पर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, लेकिन अपनी प्रेडिक्शन के पूरे होने पर अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा हूँ। वो कोरोना जो मुहर्रम में नहीं बढ़ता, वो कोरोना जिसे रबीउल अव्वल से कोई मसला नहीं है, वो कोरोना रमज़ान में बढ़ता है, वो कोरोना ईद उल फितर, ईद उल अज़हा के करीब आकर के बढ़ जाता है। हुकूमत धाड़े मार मार के रोने लगती है, वो हुकूमत जिसकी बला से पूरे पाकिस्तान को, आप अल्लाह माफ़ करें, एक कोने से दूसरे कोने तक आग लग जाए, सैलाब आ जाए या जलजला आ जाए, न मुराद अली शाह की नींद टूटेगी, ना इमरान खान की नींद टूटेगी, और ना किसी और दारे की। लेकिन when it comes to corona, everybody is like, oh ho, alert. इसलिए नहीं कि उन्हें अवाम को रिलीफ फराम करना है, नो सर, बल्कि इसलिए कि इस आड़ में ही कोई धंधा पानी, कुछ आप समझ रहे हैं, कोई धंधा पानी वगैरह किया जा सके। जिधर आप देखें, मेरे फेसबुक पर बहुत सारे लोगों को मैंने ब्लॉक किया है। ट्विटर का मुझे इतना तरीका आता नहीं, मैं ईमानदारी की बात है, अपना काम करके निकल जाता हूँ कि लोगों को ब्लॉक वगैरह कैसे किया जाता है। यूट्यूब का भी मैंने ये चैट डिसेबल करना जो है वो बहुत ज़माने बाद सीखा, टाइम लगता है, और अब ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह सुकून में है। वो एक सहाफ़ी, वो तमाम सहाफ़ी जो इस वक्त मीडिया फील्ड में हैं उनमें से ज़्यादातर, और वो सहाफ़ी के जिनके दांत वक्त ने तोड़ लिए हैं, उखाड़ दिए हैं, जिनके मुंह में अब दांत बचा है ना पेट में आंत, वो अपनी अपनी ट्विटर और फेसबुक और इंस्टाग्राम तो खैर मैं देखता नहीं हूँ, उस पर बता रहे हैं कि जी कोरोना कितना बढ़ गया, हुकूमत क्या कह रही है, आलमी इदारे क्या कह रहे हैं, ऑल दैट। मैंने जैसा कि कहा था कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में कोरोना पर ममानियत है कि किसी को किसी की जिंदगी और जान न लेने पाए। यार कोई खुदा का खौफ करो, मैंने कहा कोई काम की बात बता रहे हो कि तौबा अस्तगफार, बस ठीक है माइक यार। तो वो कोरोना जिसने आज़ाद कश्मीर में किसी की ज़िंदगी नहीं ली, लाखों का मजमा जम्मे गफीर, इमरान खान ने भी खिताब किया, मरियम नवाज़ ने भी खिताब किया, बिलावल भुट्टो जरदारी उसने भी खिताब किया, तीनों लोग लाखों के मजमे में पहुँचे, खिताब किया, दुश्मनों को ललकारा, गालियाँ दी, अपना एजेंडा बयान करना भूल गए और उसके बाद वहाँ से रवाना हो गए। लेकिन आप देखिए स्क्रिप्ट की खूबसूरती के एन इलेक्शन हो जाने के बाद, इलेक्शन चाहे जैसे भी हैं, अभी ये मौजू हमारा नहीं है, उसके बाद अदाकारों ने, हिदायतकारों ने, स्क्रिप्ट राइटर्स ने मरियम नवाज़ को इस बात पर कायल कर लिया कि अब आपको कोरोना होगा, और मरियम नवाज़ की अताद आप देखिए,
कि अपना मंजन बिक जाने के बाद या नहीं बिकने के बाद उनको कोरोना कितनी आसानी से हो गया। ये कोरोना अल्लाह माफ करे कोई सब जुमला इस्तेमाल करने से बेहतर आगे बढ़ जाता है। मरियम नवाज ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है, लेकिन उन लोगों का क्या जो मरियम नवाज के जलसों में पहुंचे थे, जिन्हें उस दौरान में शायद कोरोना हुआ होगा और हुकूमत और नून लीग ने जानबूझ करके कसदन लोगों को नहीं बताया। मैं डे वन से कह रहा हूं, आज तक कह रहा हूं, आखिरी दम तक कहूंगा कि कोरोना एक बीमारी, एक मर्ज है, इसे ईजाद किया गया है, ये इंसान का कमीनापन है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इसमें जितना हमारी हुकूमतों और हमारे इस बिकाऊ मीडिया का अमल दखल है, हमारे इसमें इंटेलेक्चुअल सो कॉल्ड सूडो इंटेलेक्चुअल्स, जिसमें इनका जितना कंट्रीब्यूशन है, इसको आप सरफ नजर या नजरअंदाज नहीं कर सकते, नजरअंदाज आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हैरत की बात यह है कि कोरोना सिर्फ मरियम नवाज को हुआ, बिलावल बच गए, और इमरान खान को तो कोरोना होना नहीं है। एनसीओसी देख रही है ना कोरोना के मामला, असद उमर पीटीआई के हैं, इमरान खान को कोरोना कैसे हो जाएगा? पहले हुआ था लेकिन उसका शाफी इलाज हो गया। आगे बढ़ते हैं, मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स आपको दिखाता हूं और उसके बाद आप खुद फैसला कर लीजिए कि ये मीडिया। कराची का एक अखबार जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान लंदन या किसी की, या अल्ताफ हुसैन की या एमक्यूएम वालों की दुश्मनी में कब से मुब्तला है, मैं उसकी हेडलाइन आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अस्पतालों में जगह कम पड़ गई, मरीज ऑक्सीजन सिलेंडर्स के हमरा घंटों बाहर खड़े रहने पर मजबूर। डेल्टा कोरोना ने कराची को जकड़ लिया, ये वो आदमी है कि जिसने हिल पार्क के पास कब्जे की जमीन पर, कब्जे की जगह पर, इसके मालिक ने अपना बंगला बनाया हुआ था, 6-6 महीने की तनख्वाहें जय्यद सहाफियों को इसने नहीं दी। एक रिपोर्टर से जब मेरी गुफ्तगू हुई, सीनियर रिपोर्टर, लानत भेज करके इस मालिक पर और इसके अखबार पर, वो एक न्यूज़ एजेंसी के साथ वाबस्ता हो चुके हैं, बड़ा मोतबर नाम है, नाम शेयर करना यहाँ ज़रूरी नहीं है। जब उनसे मेरी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि जो हुकुम सरकारी वही पकड़ी है आजकल तरकारी। तो अब आप समझ लीजिए कि कोरोना ये वो अखबार है कि जो अंदर की खबरें लाने में मशहूर है। उस जमाने में कि जब एमक्यूएम का तूती बोला करता था, ये बताता था कि फलां गली के फलां घर के अंदर इतने बजकर इतने मिनट पर उस यूनिट इंचार्ज ने फलां सेक्टर इंचार्ज की मदद से फलां के कत्ल के लिए इस नंबर पर टेलीफोन किया और उसके बाद उसकी विकेट गिर भी जाती थी। ऐसा लिटरली हुआ भी है, ठीक है। इस अखबार ने हेडिंग लगाई कि अस्पतालों में जगह कम पड़ गई, मरीज ऑक्सीजन सिलेंडर्स के हमरा घंटों बाहर खड़े रहने पर मजबूर। खुदाए वाहिद की इज्जत और आबरू की कसम, कोई एक अस्पताल मुझे दिखा दो, कोई एक अस्पताल 3.5 करोड़ की आबादी में इस कराची में, जहां कोई एक मरीज ऑक्सीजन सिलेंडर समेत बाहर पड़ा हो। एक मरीज ऐसा नहीं है, आई कैन चैलेंज, आई कैन बेट माई लाइफ। जिस अखबार ने ये हेडलाइन लगाई है, वो अखबार कोई एक तस्वीर तो शाया कर सकता था ऐसे किसी मरीज की, माजरत, ऐसा नहीं किया उसने। और ऐसा क्यों नहीं किया, इसकी वजह है, जब इस किस्म की कोई सूरत हाल होगी तो आप उसकी अक्सबंदी कर सकते हैं ना किसी अस्पताल के बाहर। अभी इंडिया तो है नहीं कि जहां बाकायदा फिल्मी अदाकारी वगैरह करके जो है वो लोगों को रिझाएं। इंडिया वाली सूरत हाल प्रोपगेट जरूर की जा रही है, सूरत हाल अब तर भी यकीनन हुई है, कोरोना बढ़ा भी है, लोगों को ये मर्ज लाहक भी हुआ है, लेकिन वो जो कुछ सरकारी अमला, सरकारी जोमा, वजीर आला सिंध, हमारे अखबारात, हमारा नेशनल मीडिया, हमारे एंकरान कराम कह रहे हैं, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। इस झूठ के बढ़ावे में हेल्थ रिपोर्टर्स का एक बहुत बड़ा किरदार है, एक बहुत बड़ा किरदार है। ये अपनी गलत सलत रिपोर्ट्स को राउट कर रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, ये अपने किसी पेटी भाई को टैग करते हैं और वो पेटी भाई इसको आगे सदका जारिया समझ करके बढ़ाता है। यकीन कर लीजिए कि ये फी सबीलिल्लाह, ये सब कुछ काम नहीं हो रहा। मैं कल किसी से मुलाकात के लिए गया अपनी फैमिली समेत, तो वो मुझे कोरोना की लंतरानी सुनाने लगे कि आरफीन ये हो गया और आरफीन ये हो गया। मैंने कहा एक सेकेंड, कोई और बात करनी है तो करो, वरना मैं जा रहा हूं।
नहीं यार, वो मेरी भावज भी है, और वो पता नहीं क्या उसका कोई ख़ास नाम है मेडिकल की ज़ुबान में, वो जो वेंटिलेटर्स को देखते भालते हैं, वो खातून जो है उनकी भावज वेंटिलेटर्स की देखभाल वाले अमले में है। कराची का एक बहुत रिप्यूटेड इदारा है, उससे वाबस्ता है। वो बताती है कि मरीज़ भर गए हैं और जगह नहीं है। और वो, मैंने कहा एक सेकेंड, सिंध गवर्नमेंट की मुलाजिम है? कह रहे हैं हाँ। मैंने कहा दो काम की तनख्वाह मिलती है, एक झूठ बोलने की और एक अपना काम करने की। मुराद अलीशा? कह रहा हाँ। मैंने नहीं मानता। कह रहे लेकिन एनसीओसी? मैंने कहा एनसीओसी मतलब असद उमर? कह रहा हाँ। मैंने कहा मतलब इमरान खान? कह रहा हाँ। मैंने कहा झूठ, बात खत्म। 22 साल की अपनी सो कॉल्ड जद्दोजहद में जितने झूठ उस आदमी ने नहीं बोले, उतना 3 साल में बोल चुका, अभी उसके उसका एतबार कर रहे हो? ये IMF, ये वर्ल्ड बैंक, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये फलाना, ये WHO, ये जो इतनी इमदाद, इतनी भीख तुम्हारी हुकूमतों को दे रहे हैं, ये किस लिए? इसलिए कि सर झुकाकर सुम्मुन बुकमुन बना दिया जाए तुम्हें और मुझे। और ये बिकाऊ मीडिया, ये इश्तहारात की और हुकूमती खुशनूदी की लालच में, ये बिल्कुल मनोहन कठपुतली की तरह आपको और मुझे नचा रहा है। जिसको नाचना है वो नाचता रहे। आगे बढ़ते हैं। लिखा है अस्पतालों में ऑक्सीजन का एक और अखबार, ये आपके सामने खबर भी दिखा देता हूं, ये पढ़िए, शायद ना पढ़ा जाए, पढ़ लेता हूं। अस्पतालों में ऑक्सीजन का इस्तेमाल 300% बढ़ गया। कोरोना सूरतेहाल के पेश नजर मुल्क भर के 15 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट्स योमिया 60,000 क्यूबिक लीटर तैयार कर रहे हैं। कीमतों में भी इजाफा, कीमतों में इजाफा इज नो इशू पाकिस्तान में, कीमतों में किसी चीज में, सीजन में आलू टमाटर से लेकर के दवाओं तक अगर इजाफा ना हो तो हैरत की बात है। लेकिन ऑक्सीजन का इस्तेमाल 300% तक बढ़ गया बताने वाले ये क्यों नहीं बता रहे कि कोरोना, इस वाले कोरोना, ये सरकारी कोरोना की आमद से पहले वेंटिलेटर्स का और ऑक्सीजन का इस्तेमाल कितना था? नोबडी विल टेल यू सर, नोबडी विल टेल यू। सवाल छोड़ दिया है, अब आप सोचिए, अब आप सोचिए क्या हो रहा है। एक और खबर बताती है जनाब मन के, डेल्टा वायरस बच्चों में सराहित करने लगा, चौथी लहर बढ़ने पर वालदैन एहतियात करें, कहना है एक डॉक्टर साहब का। दूसरे डॉक्टर साहब कहते हैं पाबंदियां ना लगी तो सूरत हाल खराब होगी। आपको यह भी बता दूं कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन PMA ने मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज दे दी है। PMA के जिस ओहदेदार की मर्जी और मंशा से, जिसके नाम से प्रेस रिलीजेस शाया होती हैं अखबारात को और नेशनल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर पब्लिश होती हैं, जब भी उनसे गुफ्तगू हुई, उनका इंटरव्यू करने की सआदत, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, हासिल हुई, चौरंगी पे ला करके उनको मैंने एक जगह खड़ा कर दिया जहां वो आकर के एक्सपोज हो जाते हैं, जहां वो आके एक्सपोज हो जाते हैं। मैं जब उनसे पूछता हूं कि कोरोना अगर इतना ही खतरनाक है तो स्कूल क्यों नहीं बंद हो रहा, वो कहते हैं स्कूल बंद होने चाहिए। मैंने कहा अगर नहीं हो रहे इसका मतलब है कि कोरोना सूरत इतनी खराब नहीं है। इनका, इन मौसूफ के पास उस बात का, इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के मौकफ की अगर बात की जाए, सरकार से कम ही पंगा लिया करती है पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कोरोना की पहली लहर से लेकर के आज तक। इससे पहले MQM के हवाले से, MQM के दौर में जब अल्ताफ हुसैन का तूती बोला करता था तब भी बहुत सारे मामलात थे जिनका जिक्र यहाँ इस वक्त करना मेरा ख्याल है कि बेकार होगा, अगर बताया तो मुंह का मजा कड़वा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए कोरोना बहुत खतरा है, डॉक्टर्स कह रहे हैं, PMA कह रही है लॉकडाउन कर दिया जाए मुकम्मल, और तर्जुमान का जरा ये इशारा भी पढ़ लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा पढ़ता हूँ। छुट्टियां नहीं बढ़ाई जाएंगी, तालीमी इदारे 2 अगस्त से ही खोले जाएंगे। ये है एजुकेशन, तालीम के ठेकेदारों का मौकफ। अगर कोरोना खतरनाक है, बच्चे भी इससे मुतासिर हो रहे हैं, लियारी में फलाना हो गया, कराची में ये हो गया, हैदराबाद में ये हो गया, सक्खर में ये हो गया, दादू में ये हो गया, हालांकि सक्खर, दादू, हैदराबाद की कोई खबर नेशनल मीडिया को पाबंदी है आई नहीं रही, सिर्फ कराची सेंट्रिक है ये कोरोना, इसको सिर्फ कराची वालों से दुश्मनी है। अगर कराची के बच्चों के लिए ये कोरोना इतना ही खतरनाक है तो फिर स्कूल क्यों खोले जा रहे हैं? इसका मतलब है कि स्क्रिप्ट में कहीं कोई कसर, कोई कमी, कोई बेशी रह गई है, और अब इस सुकुम, इस कमी बेशी, इस ऐब को दूर करेंगे मेरे भुट्टो वाले शहीद गनी। कोरोना खतरा, इस वक्त टीवी का बायकॉट कीजिए, इस वक्त अखबारात मत पढ़िए, इस वक्त सोशल मीडिया पर ये जो हाहाकार मची है,
इसकी तरफ से ऐसे आंखें बंद कर लीजिए जिस तरह से इमरान खान, मुराद अली शाह और हमारे कर्ता धर्ताओं ने अपने फराइज से गफलत बरती हुई है दीदा और दानिस्ता। आप यकीन कीजिए आपकी ज़िंदगी अगर सुकून में ना आ जाए तो मैं आपका देनदार। दोबारा कहता हूँ, दोबारा बताता हूँ, कोरोना एक मर्ज है, कोरोना जानलेवा साबित भी हुआ है और हो रहा है और हो सकता भी है, लेकिन ये जितना खतरा पोर्ट्रे किया जा रहा है मेनली हमारे मीडिया की जानिब से, बेसिकली हमारी हुकूमतों, विफाक और सूबे की जानिब से, जरा समझो मेरे सरकार, जरा समझो, ये वही हुकूमत है कि जहां अरबों, लाखों, करोड़ों, अब तक की तारीख में हजारों और हजारों नहीं तो सैकड़ों अफराद अपनी जान से गए इन्हीं हुकूमतों की गफलत से, कुछ नहीं बदला। सरकारी अस्पताल में तुम्हें दवा इलाज से महरूम रखा गया है, तुम्हें पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा, इंसाफ लेने तो तुम चांद पे ही जाओगे, लेकिन कोरोना से तुम्हें बचा के रहेंगे। गैर मुल्की आकाओं की गुलामी न जाने अब क्या क्या कराने पर तुली फी मंगला।